हेलो एवरीवन। सो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हो गया हूँ यार। एक सीबीएसई की न्यूज़ आ गई है जिसने मुझे भी थोड़ा सा परेशान कर दिया और आपको भी करेगा। सीबीएसई का कहना है भाई कि जो हमारे टर्म वन बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें 50% जो एमसीक्यू होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। सो यार, इस न्यूज़ से तो बुरा लगा ही लगा, लेकिन साथ में ये भी लगा जो इतनी मेहनत करके, सात सात आठ आठ घंटे मेहनत करके आपके लिए एमसीक्यू सीरीज बनाई, आपने इतना टाइम दिया पढ़ने, और अब सीबीएसई ये न्यूज़ लेकर आ गया है। टाइम भी नहीं है, 1 महीने से कम बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और ये सब चीजें होंगी तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। सो बात कर लेते हैं यार, फिर आखिरी में आपको कुछ टिप्स जरूर इससे रिलेटेड दे दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो कैसा लगता है आप सबको जब कोई ऐसी वीडियो बना कर ले आता है जहां पर ऐसा डरा दिया जाता है, कुछ भी बता दिया जाता है? तो आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं यार कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या, और बोर्ड में से कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाले। ये न्यूज गलत नहीं है, हाँ 50% एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले, लेकिन इनका अधूरा सच आपको पता है। आज पूरे सच की बात कर लेते हैं। मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, आप लोग को लग रहा होगा आज एकदम से वीडियो के आ गई तो थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है। बात पुरानी, लेकिन जब कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इस पर वीडियो बनाना सही नहीं समझा। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि भाई इतने सारे कमेंट्स आ रहे, भैया कॉम्पिटेंसी क्या होता है, आपने एमसीक्यू सीरीज में इसको कराया है कि नहीं कराया, तो मैंने सोचा इस पर अब वीडियो बनाना जरूरी हो गया है। कुछ वीडियोस, कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जो आपको डरा देते हैं और आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं खुद आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ट्रस्टेड सोर्सेस से, सीबीएसई के खुद के सोर्सेस से लेकर ये वीडियो आ रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कि सीबीएसई का टर्म वन जो एग्जाम 2021 में हमारा होने वाला है, इसमें 50% से ज्यादा जो आपके एमसीक्यू रहेंगे, चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, मतलब हमारी याद करने की क्षमता होती है, रिमेंबर करने की क्षमता होती है वो, और जो हमारी हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है कि भाई हमने कुछ याद रखा उसको कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद से हम और अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी अप्रोच लेकर आ सकते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग और आपकी हाई ऑर्डर जो थिंकिंग है दोनों का यूज करवा दे, उसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ये आपको सिंपल समझ में आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि बोर्ड में से कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए, तो वही हम पढ़ते हैं, ठीक है? ये सीबीएसई का सर्कुलर है, सीधा सीबीएसई का मैं लेकर आ रहा हूं, इसको मैं पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। एज इंफेसाइज्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैव बिकम पार्ट ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर टर्म वन ऑफ एकेडमिक सेशन 2021-22। सो भाई कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड क्वेश्चन है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के पहले ही पार्ट बन चुके हैं, ठीक है? ये चीज पहले क्लियर याद रखिएगा। दीज क्वेश्चंस इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो आपके सिंपल एमसीक्यू आते हैं टिक वाले, बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब आपके अगर सिंपल क्वेश्चन है तो वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ सकते हैं। फिर assertion reasoning questions and case based question, मतलब सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, चाहे वो सिंपल एमसीक्यू हो, चाहे वो assertion reason हो, चाहे case study हो, ये भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। और दूसरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में पहले ही डाल दिए गए, मतलब अलग से कहीं नहीं आएंगे। तो अब नीचे ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पर बाकी चीजें उन्हें बताई गई हैं, आगे इससे इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो हुआ क्या है, सीबीएसई का एक वीडियो कॉल हुआ है, उसके पहले सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में भी चीज बताई थी, हम सबको पता है कि मोर देन 50% पेपर विल कम ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज, मतलब हमारे 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। लेकिन कुछ और भी लाइन है जो ना वीडियो वाले बता रहे हैं ना सोर्स वाले बता रहे हैं, वो ये है कि ऑल्दो द सीबीएसई सैंपल पेपर प्रोवाइडेड ऑन 2nd सितंबर 2021 प्रोवाइड्स द पेपर पैटर्न, सीबीएसई क्लेरिफाइड दैट मेनी टीचर स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहली चीज क्लियर होती है कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स में सब कुछ बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी सब हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड अलग आएंगे तो सैंपल पेपर की क्या वैल्यू रह गई? अरे जो सैंपल पेपर है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें होती है। अभी आगे एग्जांपल दूंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले आपको इतना समझना है, हाँ माना 50% क्वेश्चन जो है वो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं, लेकिन जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है उसमें ये चीज पहले से इंक्लूडेड है। इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करते हैं, क्लास 10th की साइंस की बात करते हैं, तो अगर आप साइंस के
सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस 50% से ज्यादा क्वेश्चन पहले से ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। नीचे उसका ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद और एग्जाम्पल दे देते हैं, मैथमेटिक्स का दे देते हैं, ऐसे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फिर से डायग्राम रिलेटेड, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, जो आपकी लो ऑर्डर हाई ऑर्डर दोनों थिंकिंग का आपसे यूज करवा रहे हैं। मतलब सिलेबस तो हो गया उसका, लेकिन थोड़ा सोचकर आपको अपना दिमाग यूज कर उसको आंसर करना पड़ेगा। इंग्लिश की बात करते हैं, आपको जो क्वेश्चन आते हैं कि इस लेटर में कौन सी ऐसी चीज है जिनका ध्यान देना चाहिए, जैसे यहाँ पूछा गया है कि ऐसे कौन से फीचर है जो देवाश्री को अच्छे से याद रखना चाहिए लेटर में, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3 और 4, मतलब न्यूज़पेपर का नेम हो गया, देवाश्री का एड्रेस हो गया और उसके बाद हमारा फाइनल फॉर्मल टोन हो गया, ये चीजें याद रखना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको पता है कि लेटर में क्या क्या चीजें होती है तो ये आंसर आपसे बन जाएगा, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है कि भाई सबको लेटर तो पता है लेकिन लेटर के फीचर्स क्या होते हैं सबको नहीं पता होते, यहाँ पर दिमाग यूज करना पड़ता है, तो ये सब चीजें आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड में जाती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए क्या होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो भाई आपके जो सिंपल एमसीक्यू आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू आते हैं, उसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजन हो गया, आपका केस स्टडी हो गया, पिक्चर हो गया, ग्राफ हो गया, इससे रिलेटेड और डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होगा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आती है। मतलब इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो वो ये है कि जब आपने पहली बार सैंपल पेपर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उसमें जो भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो आपका दिमाग घुमा रहे हैं वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है भैया, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक पर अगर ट्विन रोज यानी कि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपके टाइम वेस्ट करने लायक नहीं है, लेकिन जब पता चलता है कि भाई आप लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं तो हम वीडियो बना देते हैं, तो अपना पढ़ाई अच्छे से करिए, जैसे सैंपल पेपर आपको देखने को मिले हैं वैसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्या हमारी वीडियोस जो हमारी एमसीक्यू सीरीज आ रही है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है? 101%, 200%, 300% वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ आ रही है, वही आप करेंगे सब कुछ आपसे बनने वाला है, ये चीजें हमें पहले से पता होती है। सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड का अभी नहीं बताया, बहुत पहले ही बता दिया था, उन सबको सोचकर ही हम वीडियोस बना रहे हैं। वो क्या होता है, एकदम से सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज आ जाती है, फिर इनको न्यूज चैनल वाले कुछ यूट्यूब में वीडियोस गलत बना देते तो हम सब डर जाते, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है यार। तो ये इमेज मैंने यहाँ डाली है बताने के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, अगर ऐसी कोई चीज आती है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो खत्म करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय परेशान चल रहे हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली बहुत सारी वीडियोज में, ऊपर असर्शन रीजन की वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में केस स्टडी बाकी चीजों की वीडियो भी डाल दूंगा, उनको देखना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ गुरु टेंगुड़िया, बाय बाय।